Once again, Sandeep Mishra from Sonakshi Creations. In continuation to my last video, जिसमें हम furniture और उसके price evaluation की बात कर रहे थे, आज मैं कुछ fixed furniture जैसे आप sofa या beds के जब हम plan करते हैं, तो हमें नहीं clear होता कि हम कैसे evaluate करें, तो आज हम उसको cover करेंगे इस topic को. So पहले मैं beds की बात करता हूँ. Unless until आप एक जो हमारा वुडन बेड का जो कॉन्सेप्ट है, नॉर्मली हम जब कहते हैं कि भाई वुड का बेड होना चाहिए, वुड का बेड होना चाहिए, ट्रेडिशनली जो अब बेड्स यूज़ हो रहे हैं, जिसमें हम बॉक्स बेड यूज़ करते हैं या फिर हम विद फैब्रिक बेड यूज़ कर रहे हैं, आजकल फैब्रिक के साथ बेड्स काफ़ी चलन में है, जिसमें हम फैब्रिक भी यूज़ करते हैं बेड के अंदर, इन स्पाइट ऑफ जो आपका हेडबोर्ड होता है और जो आपका फ्रंट होता है बेड का, वो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, मे बी एज़ पर आर इंटीरियर, हम उसको चूज़ कर सकते हैं. वी कैन गो फॉर बोर्ड ऑन माइका या लैमिनेट के साथ, या वेनियर के साथ हम जा सकते हैं, या फिर हम उसमें फैब्रिक भी ले सकते हैं. और वो फैब्रिक जब हम चूज़ करते हैं, तो हम अपनी जो भी हमारा रूम का इंटीरियर होता है, उसके हिसाब से हम चूज़ कर लेते हैं. सो जो एक कॉन्सेप्ट है वुडन बेड का, वुडन बेड का जो ट्रेडिशनल बेड्स पहले होते थे, उसमें डेफिनेटली पूरा वुड यूज़ होता था, जिसमें आपका पाए वाले बेड्स होते थे, ऊंचे बेड्स होते थे. बट नाउ डेज जो बेड्स बन रहे हैं, उसमें वुड कंपोनेंट इज़ वेरी लेस. बी वेरी क्लियर, व्हेन यू गो फॉर अ बेड यू हैव टू इवैल्यूएट कि इसमें वुड कितना यूज़ हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम फ्रेम, वुड कहीं यूज़ नहीं होता है. ज़्यादातर बोर्ड, प्लाई बोर्ड का काम होता है, और उसके ऊपर हम अपने टेस्ट या अपने बजट के हिसाब से वेनियर या पॉलिश या फिर हम इनले वर्क, देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड कॉम्बिनेशंस अवेलेबल इन द मार्केट, वो यूज़ करते हैं. ज़्यादातर फैब्रिक क्विल्टेड बेड्स आजकल ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, और इसमें डिपेंडिंग ऑन कि आपका बेड का डिज़ाइन कैसा है, आप कितना एरिया एज अ हेडबोर्ड चाहते हैं. कुछ लोग पूरी की पूरी वॉल हेडबोर्ड अपना फैब्रिक के साथ पैनल कराते हैं, कुछ सिर्फ एक लिमिटेड हाइट तक हेडबोर्ड को लेके जाते हैं. तो प्राइसिंग आपके पैनलिंग के हिसाब से डिसाइड होती है. आप जितना ज़्यादा हेडबोर्ड बड़ा लेंगे, आपका बेड का कॉस्ट उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि फैब्रिक का कॉस्ट उसमें बढ़ रहा है, उसमें आपका क्विल्टिंग का कॉस्ट बढ़ रहा है, उसमें पैनलिंग का कॉस्ट बढ़ रहा है. सो लेबर कॉस्ट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड मटीरियल कॉस्ट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग. अगर हम बेसिक बेड की बात करें, विद अ नॉर्मल बैक, आपका जो आप अगर वेनियर यूज़ करते हैं, तो ये माइका से एक्सपेंसिव होगा. अगर आप नॉर्मल ब्लॉक बोर्ड बेड्स के साथ जाते हैं, जिसमें आप लैमिनेट यूज़ करते हैं या माइका यूज़ करते हैं, वो सबसे सस्ता पड़ेगा. उसके बाद सेकेंड लेवल पे आप कह सकते हो, जिसमें आप विनियर यूज़ कर सकते हो, जो थोड़ा सा रिच लुक देता है आपके बेड को, और जिसको आप पॉलिश करा के उसको एक वुडन फील भी दे सकते हैं, और उसमें हम पीयू पॉलिश के लिए जा सकते हैं. देन फिर नेक्स्ट हम जो चूज़ करते हैं, दैट इज़ फैब्रिक बेड्स, जिसमें हम जो हेडबोर्ड होता है वो फैब्रिक का क्विल्टेड होता है. एंड देन फैब्रिक में भी अब कॉम्बिनेशंस यूज़ हो रहे हैं, जिसमें स्टील इंग्रेविंग यूज़ कर रहे हैं, स्टील का काम, या फिर आपका पीवीडी कोटेड गोल्डन शीट्स यूज होती हैं. सो ये अकॉर्डिंगली डिज़ाइन के हिसाब से ये एक्सपेंसिव होता जाता है. और बॉक्स जितना भी बनता है, दैट इज़ वुड उसमें यूज़ नहीं होता है. उसमें आपका ब्लॉक बोर्ड यूज़ होता है, या जो भी आपका इंजीनियर बोर्ड कहते हैं, कुछ लोग इंजीनियर बोर्ड यूज़ करते हैं. और उसमें एक ही चीज़ का ध्यान देना है आपने, कि उसमें जो हाइड्रोलिक सस्पेंशंस के साथ अगर आप बेड्स लेते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर हैं, क्योंकि उसमें आपको बेड को खोलने और यूज़ करने में एक आसानी रहती है एज़ कम्पेयर टू. हाँ, जब हम बेड प्लान कर रहे हैं, हम उस समय ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस तरफ से ओपनिंग चाहिए बेड की. अगर हमारे पास फ्रंट में जगह ज़्यादा है, यू कैन गो फॉर अ फ्रंट ओपन. अगर हमें साइड्स में जगह ज़्यादा है, तो हम साइड ओपन भी ले सकते हैं. सो दैट्स अकॉर्डिंगली वी कैन यूज़. सो दिस इज एज पर द बेड्स प्राइजिंग. व्हेन वी इवेल्युएट एनी प्रोडक्ट और एनीथिंग, यू हैव टू सी कि उसमें बोर्ड कितना यूज़ हो रहा है, पैनलिंग कितनी यूज़ हो रही है, फैब्रिक कितना है, और उसी के हिसाब से आप ईजिली इस चीज़ को एस्टिमेट कर सकते हैं कि जो पे मैं, जो कॉस्ट मैं दे रहा हूँ इस प्रोडक्ट की, वो दो प्रोडक्ट्स में कितना डिफरेंस है. अगर किसी में पैनलिंग ज़्यादा है, फैब्रिक ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बट ऑब्वियस है कि वो उस बेड से सस्ता होगा जिसमें पैनलिंग कम है. अगर आपका कार्विंग ज़्यादा है,
वुड में हेडबोर्ड में कार्विंग ज़्यादा है वुड के ऊपर, तो डेफिनेटली वो प्लेन हेडबोर्ड वाले जो बेड होंगे उससे एक्सपेंसिव होगा. सो आई होप दिस वीडियो मस्ट हैव हेल्प यू एंड विल हेल्प यू इन शॉर्टलिस्टिंग योर बेड्स एंड इवेलुएटिंग द प्राइस. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ इसको शेयर करें जिनको भी इस तरह के आइडियाज़ या इस तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट इंटीमेशन ऑन टाइम फॉर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन थैंक यू वंस अगेन. टेक केयर.